गुड मॉर्निंग ऑल, अंदर एक नमस्ते एंड नमस्कारम। कैसी हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये वीडियो मैंने पिकनिक जाने के एक दिन पहले शूट किया था, जो था मेरा बर्थडे का दिन। हमेशा की तरह हमने बर्थडे के दिन की शुरुआत की थी मंदिर आकर ब्लेसिंग्स लेके। फिर हम आए ब्रेकफास्ट करने हल्दीराम। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रेकफास्ट करके हम आए रिलायंस मार्ट, हमें लेना था गिफ्ट। ये अच्छे गिफ्ट के साथ साथ हमने लिया कुछ स्टेशनरी का सामान और हम वहाँ से घर चले गए। अरे साइड हो ना तू, अब मेघना साइड हो ना। Happy birthday to you, Happy birthday to you। इस बार मैंने अपना बर्थडे बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपना बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करूं। एक बार मंगस। बच्चों के जाने के बाद दीदी और आकाश आए और इसे सब बिट्टू। कैसा? बढ़िया The next day. Hi. Hi. सब लोग हाय बोलो। Hi. और टीचर दूसरे वाले कार में बैठने वाले बॉयज का। हेलो एवरीवन। मैं मिलाती हूँ मेरे ट्यूशन स्टूडेंट से। हम जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन, जो कि चंद्रपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ताड़ूबा का जो एंट्रेंस गेट्स है उनमें से ये एक एंट्रेंस गेट है जहाँ से हमें बटरफ्लाई गार्डन जाना है। बटरफ्लाई गार्डन और ये हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड है, करेक्ट? yeah! ये था पार्किंग एरिया जहाँ 25 रुपए चार्ज लिया जाता है। ये है पार्क का एंट्रेंस और ये था इंक्वायरी और टिकट काउंटर। टिकट्स जो है बड़ों के लिए 20 और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर टीचर ने कहा रियल डक इधर है। रियल डक है? टीचर को डक को हिरन बोल रहे हैं। डक को हिरन बोल रहा है? कौन हिरन बोल रहा है डक को? टीचर है। डक को डियर बोल रहे हो आप? डॉल्फिन में बोल रहे हैं। क्या है? ग्रास में? ग्रास में डॉल्फिन भी आ गया। गुड़िया ने बोला क्या है? क्या बोला? बटरफ्लाई। गुड़िया ने बोला कि ग्रास में डॉल्फिन मुझे दिख।
दिया था यार। हाँ जी, बहुत अच्छा दिख रहा है। ब्लैक शर्ट, ब्लैक। हाँ, इधर 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 इधर। हाय आकाश, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बैग्स लेके हम आए तो थे बटरफ्लाइज देखने, बट हमें बिल्कुल बटरफ्लाइज नहीं दिखे। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चों के साथ बच्चा बनने में मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए आकाश बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए। जाओ ना जॉन्टी, जाओ बेटा। सब बच्चों ने एक साथ मिलके खूब सारी मस्ती की, मजे किए, खेले कूदे। अब लगी थी उन्हें भूख। हम सब ने बैठ के लंच किया। नमस्कार। ये थे टिकट्स जो हमने एंट्रेंस में लिए थे। ये था बड़ों का एंट्रेंस पास 20 रुपीज। और ये था छोटे बच्चों का 10 रुपीज। लंच के बाद हम सब गए ये इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज और उनके लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में दिखाया गया था। बटरफ्लाईज बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली बेबी गर्ल्स। उनको बटरफ्लाईज के क्लिप्स चाहिए है, बोज चाहिए है, हर चीज़ में उनको बटरफ्लाईज चाहिए, कलरफुल।
बटरफ्लाई गार्डन में बहुत मजे करने के बाद अब था टाइम वापस जाने का। हमने किया एग्जिट। बटरफ्लाई गार्डन से निकल के हम पहुंचे APJ अब्दुल कलाम गार्डन। वैसे तो बच्चों को हमने बोला था कि घर चलते हैं, बट उन्हें घर नहीं जाना था तो हम आए यहाँ पर। बटरफ्लाई गार्डन से APJ अब्दुल कलाम गार्डन आए हैं। गाड़ी कहाँ जा रही है? ये गाड़ी कहाँ जा रही है? ये देखो यहाँ सनी भाई बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए। मैंने पहले भी बोला था बच्चों के साथ बच्चा बन के एंजॉय करने में बहुत मजा आता है। गोलू उनकी बेटी का नाम है जो कि उनके सामने बैठी थी। पानी ले लो, पानी ले लो, पानी पी लो। बच्चे चाहते थे कि मैं उनके साथ ये गेम खेलूं तो क्लास में मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ और यहाँ वो लोग मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। ए साइड और चलो बार बार उसे वापस खेलना था क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया था।
बस हमने किया यहाँ से एग्जिट, बच्चों को खाना था चाइनीज तो हम ले आए उनको यहाँ चाइनीज खिलाने। और यहाँ मेरा बर्थडे एंड नहीं हुआ, उन्हें यहाँ भी मुझे विश करना था और यहाँ भी तो बस ये था मेरा बर्थडे व्लॉग और बच्चों के साथ पिकनिक के, बच्चों को एंजॉय करता देख मन खुश हो जाता है और जो भी स्ट्रेस और टेंशन है वो भाग जाता है। अगर आप भी बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे आपके आसपास हैं तो खुश रखिए उन्हें और आप भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। हमारे साथ साथ अगर आप लोगों ने भी ये व्लॉग एंजॉय किया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।